अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास ओपन योर पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन बुक। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। पेज नंबर है स्टोरी का आपका 225। ओपन योर पेज 225 एंड स्टोरी इज़ द फॉक्स एंड द क्रो। ठीक है, द फॉक्स एंड द क्रो। वंस मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। बहुत इंटरेस्टिंग सी आपकी ये स्टोरी है और आपको इजीली ये याद भी हो जाएगी। वंस अ क्रो स्टोल अ पीस ऑफ चीज़। ही फ्लू एंड सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री। ही वॉज गोइंग टू ईट इट व्हेन अ हंग्री फॉक्स लुक्ड एट हिम। द फॉक्स विश्ड टू टेक द पीस ऑफ चीज़। ही बिगेन टू फ्लैटर द क्रो। He said, "Dear crow, what beautiful feathers you have. Your voice must be sweet also. Please sing a song for me." The crow felt proud and opened his mouth to sing caw. The piece of cheese fell down. The fox took the piece and went away saying, "Thank you, Mr. Crow." Moral: an oily tongue seldom fails. ओके, आज के दिन आप ये स्टोरी याद करोगे। यहाँ पे डेट मेंशन कर लें आप 4th अप्रैल 2020। बहुत इजी स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रो की, कि क्रो को एक चीज़ का टुकड़ा मिला, उसके रास्ते में फॉक्स आया। अब फॉक्स जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि क्रो के मुंह में जो है वो एक चीज़ का टुकड़ा है, उसे छीनने के लिए उसकी खुशामद करता है, मतलब उसे फ्लैटर करता है, उसकी झूठी तारीफ़ करता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप मुझे गाना तो सुनाओ। जैसे ही क्रो ने अपना मुंह खोला गाना गाने के लिए, तो उसका जो चीज़ का जो पीस था वो नीचे गिर गया। तो उसके बाद उसे इस चीज़ की पनिशमेंट मिली कि फॉक्स ने उसे कितनी इजीली बेवकूफ़ बना लिया। ओके,